हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? और लास्ट में जो व्लॉग डाला था, आज मैंने एक वीडियो डाली है फेस वॉश पर, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा फेस वॉश है, उसे मैं अप्लाई करते हुए टाइम हो गया है। जब अप्लाई करने के बाद मुझे वो सही लगी, तो इसलिए मैंने उस पर जो है वीडियो बनाया उस फेस वॉश पर। तो आप लोग भी उसे अप्लाई कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, वीडियो का रिव्यू देख सकते हो, वो टोटली डिपेंड आप लोगों पर है। और उससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला था, तो उस दिन मैंने गलती से ट्यूजडे बोल दिया था। डे था आई थिंक उस दिन फ्राइडे, बट मुझे फ्राइडे या थर्सडे डे था, कुछ ऐसा ही डे था, पर मुझे ध्यान नहीं था क्योंकि आजकल सारे दिन ही ऐसे जा रहे हैं कि हर डे संडे है। समझ ही नहीं आता कौन सा डेट है, कौन सा दिन है। आपको बिल्कुल, अगर आप फोन उठाओ या कैलेंडर ना देखो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा डे चल रहा है या कौन सी तारीख है। मेरे साथ तो हो रहा है पर्सनली, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि आज कौन सा दिन या कौन सा वार, कौन सी डेट है, ये हो रहा है। तो आज का जो है 14 तारीख है, 14 अप्रैल है, और डे आज ट्यूजडे ही है, आई थिंक सो ट्यूजडे ही है, कहीं गलत तो बोल रही हूँ मैं, तो शायद ट्यूजडे ही है। और क्या बोलते हैं, सुबह 10 बजे जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी फिर आए थे, तो इसका कोई टास्क नहीं था। जैसे लोग फनवे में कहते हैं कि टास्क है, तो टास्क नहीं था। जो आगे आप सबको ही पता है कि लॉकडाउन जो है 3 मई तक फिर से बढ़ा दिया गया है, और कई एयर तो पूरे पूरे सील हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जिनको हॉटस्पॉट माना गया है वहाँ पे कोई ना कोई केसेस मिले हैं कोरोना से रिलेटेड इस वजह से। बट हमारे एरिया में मुझे लास्ट व्लॉग में इतना डर हो रहा था, क्योंकि जब उसे लिस्ट में नाम देखा था, क्योंकि टचवुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हॉटस्पॉट या कोई, अभी तो कोई केस नहीं मिला है हमारे यहाँ पे, तो थोड़ी सी इस चीज़ की तसल्ली है। इवन हम थोड़ा बाहर तो जा पा रहे हैं, कल भी मैं और नीचे पूजा हम लोग गए थे, अपना पूरा प्रोटेक्शन के साथ गए थे, रिलायंस फ्रेश गए, थोड़ा ग्रॉसरी का सामान जो लेकर आना था, ग्रॉसरी प्लस थोड़ा कुछ ऐसा लगा कि घर में कुछ अच्छा खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि वही रोटी दाल सब्जी हो रहा है और कुछ तो नहीं मिल रहा खाने के लिए। तो मन बहुत कुछ ऐसा कर रहा था कि कुछ खाने को मिल जाए, तो कोई रिलायंस फ्रेश में तो हर तरह की चीज़ें मिल जाती है, तो उसको ला के हम घर में बना सके, बट कुछ नहीं मिला। वहाँ पे स्टॉक इतना लिमिटेड था, बहुत कम सामान था, कुछ ऐसा नहीं था कि आप वो ले लो और खा लो, स्टॉक सारा लिमिटेड था, लोगों ने पहले ही सब घर में भर लिया है, तो वैसे ही कुछ नहीं बचा है। और हम इतना लेट जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलना था, और कुछ नहीं मिला। थोड़ा बहुत बेबी के डायपर वगैरह ये सब लेकर, जो ज़रूरत का सामान था, क्योंकि जो ये शॉप्स होती है केमिस्ट शॉप पे, छोटे छोटे पैकेट मिल रहे थे, दो वाला चार वाला ऐसे पैकेट मिल रहा था, तो वो लूज लाने में बहुत, मतलब हर दूसरे दिन जाओ लेके आओ, तो वो सही भी नहीं लग रहा था मुझे। तो मैं बड़े बड़े पैकेट ले लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा चले तो सही, और उसमें आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिलता है एक साथ बल्क में लेने में, हर चीज़ का यही होता है, तो इसलिए फिर ये सब सामान लेके आना था। तो तब मैं गई थी, तो अच्छे से उन्होंने हम लोगों को स्कैन किया, फिर सैनिटाइज करवाया हाथों को, फिर दो दो करके हमको अंदर भेजा, तो वहाँ पे भी बहुत अपना वो सेफ्टी रख रहे हैं वो लोग, तो अच्छा लगा। तो बस ऐसी है, वही खाना खा के उब गए थे, तो आज कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा है, बहुत दिनों से बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, सभी ने, किसी ने भी नहीं खाया होगा, बट लोग घर में काफ़ी चीज़ें बना बना के खा रहे हैं, और मैंने तो आज फर्स्ट टाइम, लगा लो इतने दिन लॉकडाउन को हो चुके हैं, लॉकडाउन ऑलमोस्ट आज खत्म हो जाता अगर सब कुछ ठीक रहता तो, बट मैंने कुछ नहीं बनाया ऐसे स्पेशल। एक दिन सांभर और इडली बनाई थी, पर मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी, और बीच में ऐसा कुछ स्पेशल आई डोंट थिंक सो मैंने बनाया, मुझे याद भी नहीं है। तो आज स्पेशल क्या है, आज मेरे पास पड़े हैं रेडीमेड गोलगप्पे, और वो जो मैं बनाने जा रही हूँ, और मन कर रहा है काफ़ी ज़्यादा चटक सा खाने का, और तो सपने में भी अब ये सब चीज़ें आने लग गई है खाने की, तो इससे सोचा क्यों ना जो चीज़ पड़ी है उसे खा ले। तो पानी का, मतलब पानी के लिए गोलगप्पे का पानी है उसका सामान भी है, गोलगप्पे भी रेडीमेड है, आलू वगैरह बॉयल कर लिए हैं, तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ और आपको भी दिखाती हूँ, और किस किस के मुँह में गोलगप्पे देख के पानी आया ये मुझे बता देना, आगे की रेसिपी मैं शेयर करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ, और मैंने कढ़ाई रखी है, और जो है ऑयल मेरा ऑयल जग भी ख़त्म हो गया था, मतलब कि रिफाइंड ख़त्म हो गया था, सरसों का तेल तो है बट रिफाइंड का ये एक ही लास्ट पैकेट बचा है, और मैं रिलायंस फ्रेश से तेल आना भी भूल गई, तो उसको मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के गर्म होने के लिए रख दिया, और बाकी को जो है मैंने दोबारा से मतलब जग में डाल दिया था, ताकि वो फैले नहीं, क्योंकि अगर खुला पैकेट अगर आप ऐसे रखते हो तो डर लगा रहता है कि फैल जाएगा, तो भैया इतना प्रोटेक्शन के साथ रखना पड़ेगा उसको, तो फटाफट यही करो कि उसको जैसे कट किया है उसको आपको जहाँ रखना है रिप्लेस करना है जहाँ पे उसको वहाँ पे कर दो, और रिप्लेस मतलब डालना है वहाँ डाल दो, और
आगे का अपना काम शुरू कर दो। तो ये कुछ गोलगप्पे इस तरीके थे जो मैंने आई थिंक होली से पहले खरीदे थे कि बनाने के लिए, पर मैंने नहीं बनाए थे। और इस तरीके से मैंने इसको मियोनीज के डब्बे में डाल के रखा था, एक्स्ट्रा डब्बा था तो उसमें डाल दिया था। देखिए साइड पे मैंने एक गोलगप्पा जो है फुला भी लिया, पहले देखा था कि ऑयल ठीक से गर्म हुआ है नहीं हुआ। अब थोड़े थोड़े करके ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से हुआ है, थोड़े थोड़े करके मैं इनको डाल रही हूँ। और इनके बेस्ट चीज़ ये होती है अच्छे से बड़े बड़े साइज में जो है फूल जाते हैं। तो ये देखते रहिए आप धीरे धीरे किस तरीके से गोलगप्पे फूल रहे हैं, कि गोलगप्पा अच्छे से फूलता है जिसमें अगर ऑयल में डिप नहीं हो पाता वही नहीं फूलता। तो सिर्फ ये एक गोलगप्पा ऐसा था जो कि नहीं फूला था, जो आपको साइड में दिख रहा है, और बाकी सभी के सभी अच्छे से गोल गोल फूले थे। और आई थिंक ये पता नहीं जी, ना तो ये मैदे के होते हैं ना तो ये आटे के होते हैं। तो पूजा कह रही थी एक दिन शायद ये चावल के होते हैं, तो मुझे नहीं पता ये कौन से चीज़ के होते हैं। सूजी के तो ये नहीं होते हैं, ये कन्फर्म हूँ सूजी और आटे के, और पता नहीं किस चीज़ के गोलगप्पे होते हैं। पर जो भी है इस टाइम पे इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हमारे टेस्ट को बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया उस टेस्ट को गोलगप्पे का। अब अगेन मैं सेकंड टाइम के गोलगप्पों को डाल के जो है कर लेती हूँ, सेक लेती हूँ और उनको फुला लेती हूँ, मोटा मोटा कर लेती हूँ। यहाँ पे अब बारी आ गई थी गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए। तो ये पानी पूरी का एक पैकेट जो है मेरे पास पड़ा था, इसमें थोड़ा सा ही मसाला था पानी पूरी का, क्योंकि मैंने इसको एक बार पहले भी यूज़ कर लिया। मैंने को बताया था कि होली से पहले जो है मैं गोलगप्पे लाई थी तो एक बार थोड़े बनाए थे तो यूज़ हो गया, छोटा सा पैकेट था, क्या होता था इससे। तो और अगर मैं सिर्फ यह सोचती कि इसी को मैं डाल के ये पानी बनाऊं तो पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो मैंने जितना था वो सब कुछ इस पानी में डाल दिया। अब ये कॉफ़ी की एक शीशी है जिसमें मेरा जलजीरे का पैकेट थोड़ा सा ख़राब सा हो गया था, तो मैंने जलजीरा इसमें भर के रख दिया था। अब उस जलजीरे को मैं थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि पैकेट से अलग निकालने के बाद जम भी जाता है, पहले मैं उसको चेक कर रही थी। अभी इस वक्त जब आपको दिखा रही हूँ मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ ख़राब तो नहीं है, कुछ नहीं है, पर नहीं है। फिर मैंने इसको अच्छे से चम्मच से देखा और 2-3 चम्मच जो है जलजीरे का भी इसमें डाल दिया, और जिससे कि बहुत जो है बेस्ट टेस्ट हो गया था। खट्टा खट्टा सा अच्छा अच्छा सा लग रहा था। एकदम खट्टा भी मुझे पसंद नहीं है पानी, तो मुझे थोड़ा मीठा भी चाहिए होता है। तो ये टोमेटो सॉस को मैंने 2-3 चम्मच से ज़्यादा ग्लास में लेके पानी में घोल कर वो भी इसमें डाल दिया था, और हमारा इतना पानी ये जो तैयार हो गया था। अब जो मैंने इसमें क्या किया, लास्ट इसको अच्छे से जो है हिला लिया था ताकि पानी ज़रा एक सार हो जाए, कहीं पे अगर कोई जलजीरे की गांठ वगैरह हो रही है तो वो भी मिल जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। नमक और ये मसाले से चीज़ तो वैसे ही सब कुछ मिक्स हो जाती है। अब थोड़ी सी बूंदी पड़ी थी तो ये बूंदी भी मैंने इसमें डाल ली, तो मानो आप यकीन मानो पानी जो है बहुत अच्छा बना था, गोलगप्पे वाला टेस्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा आ रहा था, बहुत बेस्ट पानी था ये। अब इस बाउल में मैंने जो है आलू और ये छोटा छोटा बारीक बारीक प्याज काट के भी रखा है, जो कि गोलगप्पे की फिलिंग में काम आएगा, गोलगप्पे में डाल के खाने में काम आएगा। चलो फिर अब गोलगप्पा खाना शुरू करते हैं आगे। तो गोलगप्पे का सारा आइटम जो है मैंने रख लिया है, मैं एक एक करके गोलगप्पे लगाऊंगी और उनको खिलाऊंगी और फिर खुद भी खाऊंगी। तो गोलगप्पे मैंने सारे दिखा दिए थे आपको, ये इस तरीके से फूले फूले हैं। और जो सामान रखा था तो फिर सबसे पहले तो बनाना शुरू करते हैं इनको, वो सामान मैंने सब उसमें बताइए। मैंने आलू नीचे एक टिप और ये किया इनको सर्व। तो जल्दी से खा के इन लोगों को बताओ कि कैसा बना है। मस्त है, पानी अच्छा हो रहा है। चलो फिर मैं भी खा लेती हूँ फटाफट, पहले एक गोलगप्पा खाती हूँ फिर मैं भी बताती हूँ कि कैसा हो रहा है। इतने दिन से तरस रहे हैं यार इन सब चीजों के लिए, कम होगी पर शायद। पानी परफेक्ट है, एकदम अच्छा बना है। और जितने गोलगप्पे खाए जाएंगे खाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे खा ले, कहीं आप लोग लोगों सारे खाए, और पानी जो है जितना पिया जाएगा पिएगा, नहीं तो फिर जल्दी ऐसे जल्दी शाम को पी लेंगे। बूंदी कम लग रही है तो मैं सोचू इसमें और डाल लूँ। चलो पहले इसको हम इंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। अब जो है गोलगप्पे खा लिए हैं हमने, वीनू से चुप चुप के, वीनू को नहीं दिए, इसको सुला रखा था।
और गोलगप्पे एंजॉय कर लिए, वरना एक होता ऐसा है कि ये खाने के टाइम पे रोना शुरू कर देती, तो एक जना खाता एक जना नहीं खाता, इस सब ने पूरा साथ दिया, ये सो रही थी तो हम लोगों ने खा लिए गोलगप्पे और टेस्टी थे, यम्मी थे। और इस वक्त हम मैं जो करती हूँ वीडियो का एड करती हूँ और नेक्स्ट वॉक में मिलेंगे, तब तक ले बाय, टेक केयर, बाय कर दो, बाय बाय बाय।